हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का बहुत ही दमदार शेयर है ये, इसमें कोई शक नहीं है। 311 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और नतीजे आने के बाद इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड हुआ है, शेयर टूट के नीचे आया जरूर है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 311 रुपए का ये शेयर क्या अभी भी खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स 311 रुपए का शेयर, एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 6% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखिए रिजल्ट्स आने से पहले तेजी बनी थी, 332 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन जैसे ही नतीजे आए शेयर 307 रुपए तक भी चला गया, लेकिन वापस तेजी बनी है। लेकिन अब फिर से हल्की सी गिरावट यहां पर जरूर आई है आज के दिन में। एक साल में 275% से भी ज्यादा का ग्रोथ है, 80 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, शानदार रैली बनी, शानदार। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा मोटर्स में मेरी बाइंग रिकमेंडेशन तब से थी जब से ये शेयर आपको 65 से 70 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। पिछले 1-1.5 साल में मैंने कम से कम इसके ऊपर 25 से 30 वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो में मैंने कहा है कि खरीदारी का मौका है, लेकिन जैसे ही शेयर 325 रुपए से ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अब यहाँ से आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के निवेशक एग्जिट ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रह सकते हैं और गिरावट में थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर जब शेयर 311 रुपए के आसपास है, नतीजे भी आ चुके हैं, तो बात करना बनता भी है कि यहाँ से किस तरीके की स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सके। तो देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.41% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 13.78% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.30% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.80% की होल्डिंग देखने को मिली है। अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर ओन करते हैं, और इतना ही नहीं हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में सिटी बैंक न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट है, 10.65% की होल्डिंग वो भी यहाँ पर ओन करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.95% के आसपास है और प्रमोटर की तकरीबन 2% के आसपास की होल्डिंग गिरी हुई भी है। देखिए, 2016 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे नहीं किया है, लेकिन 2016 में अगर हम देखें तो ये वो शेयर था जो एक प्रेशर झेल रहा था। आप देखिए, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं पिछले 10 साल में, तो 2016 से इसके बुरे दिन शुरू हुए थे, 500 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो लगातार ये टूटना शुरू हो चुका था, और इवन कोरोना से पहले भी ये शेयर 100 रुपए के आसपास था, लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट आई, देखिए गिरावट की वजह यही थी कि जेएलआर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जेएलआर का जो बड़ा मार्केट है, जैगुआर लैंड रोवर की अगर हम बात करें, तो उसका जो बड़ा मार्केट है वो चाइना और यूरोप है, और वहीं पर इनके गाड़ियों की बिक्री बहुत कम हो चुकी थी, तो यही वजह थी कि शेयर टूट रहा था। जेएलआर में बड़ा नुकसान हो रहा था इनके, लेकिन कोरोना से पहले रिपोर्ट आना शुरू हुई कि भैया जेएलआर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए 110 रुपए का शेयर 200 रुपए तक निकला, ठीक है। लेकिन बाद में हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसे ही आया, सबसे पहले चाइना में आया, तो भैया जेएलआर का बड़ा मार्केट चाइना है, गिरावट वहां पर शुरू हुई। उसके बाद यूरोप में आया, यूरोपियन कंट्रीज में आया, तो जेएलआर का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज थी, तो जाहिर सी बात है शेयर टूटेगा। और जब इंडिया में आया तब तो बिखर गया ये, 60 रुपए के 65 रुपए के आसपास चला गया ये शेयर, और ये वो लेवल से जहां मैंने कई सारे वीडियोज बनाए थे कि भैया गिरावट में बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका है। यहाँ पर अगर हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 4% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स, आप देखिए रेवेन्यू में उछाल है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये अच्छी बात है। रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले बहुत दमदार है, कोरोना से पहले जितने रेवेन्यू थे उससे कई ज्यादा बेहतर रेवेन्यू है। कोरोना काल में 32,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, आज भैया 88,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू। अब ग्राफ देखिए किस तरीके से इंक्रीजिंग मोड में है, लेकिन दिक्कत आई प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट
प्रॉफिट में बड़ा नुकसान हो गया इनको, 7,510 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। और यही वजह है कि शेयर आपको टूटता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों में। अगर हम देखें तो हल्की सी गिरावट है, लेकिन फिर भी ये कोई उतनी बड़ी दिक्कत की बात मेरे हिसाब से नहीं है। प्रॉफिट में हल्का सा डिप आने की वजह यही है। देखिए टाटा मोटर ने तो प्रॉफिट किया है, ठीक है, लेकिन जेलार को यहाँ पर नुकसान हुआ है। और जनरली जो लॉसेस है वो वन टाइम लॉस है, तो देखने वाली बात होगी कि नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि बेहतर क्वार्टर देखने को मिले इसका। और सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं दिसंबर में। अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग थी, आज वो 46% की होल्डिंग हो चुकी है। पहले प्रमोटर की 4% के आसपास की होल्डिंग गिर हुई थी, अब 2% के आसपास की होल्डिंग गिर हुई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स के अगर मैं टिकर टाइप में आपको सिचुएशन दिखाऊं, तो एंट्री पॉइंट के लिए मतलब खरीदारी का ये जो मौका है कि नहीं वहां पर, तो अकॉर्डिंग टू टिकर टॉप हाँ खरीदारी का अभी भी सही मौका है, गुड टाइम टू कंसिडर, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। दूसरी तरफ कोई ऐसा रेड फ्लैग यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकर टाइप 75% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आ रहे कि हाँ 311 रुपए के आसपास आप यहां पर खरीद सकते हैं। और देखिए टाटा की मैं बात करूं तो टाटा की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टिगोर हो गई, बोल्ट हो गई, टियागो हो गई, जेस्ट हो गई, तो इनकी जो प्राइजेस है वो भी बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। तो एक तरीके से हम देखें तो कोरोना काल में लोग गाड़ियां खरीदना ज्यादा पसंद करें, क्योंकि अगर हम देखने की कोशिश करें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जनरली खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जरूरत तो है ही इनकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब डेफिनेटली खतरे से खाली तो है नहीं, एटलीस्ट जब तक तो कोरोना की जो लहर है वो पास ऑन नहीं हो जाती तब तक तो। और अच्छे खासे फाइनेंशियल इनके देखने को मिले थे, इवन होल्डिंग्स भी अगर हम बात करें तो अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, ये सबसे बेहतर चीज है। अब देखिए फरवरी महीने में अगर दिसंबर महीने में अगर हम देखें तो 42% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, अब अगर हम देखें तो प्रमोटर की वो 46% के आसपास की होल्डिंग है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि भैया प्रमोटर की अच्छी खरीदारी हो रही है, और आने वाले समय में डेफिनेटली म्यूचुअल फंड की भी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग पहले गिर रही थी अब वो इंक्रीजिंग मोड में है। और टाटा मोटर्स डेफिनेटली मुझे पसंद आता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन 311 में अभी भी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि 300 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचे तब खरीदारी कर सकते हैं, 300 रुपए के आसपास पहुंचे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने खरीदारी की है तो भैया बेचने की सलाह नहीं है मेरी, ठीक है, बने रहिए यहाँ पर, बने रहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म का फ्यूचर इसका बेहतर है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, और इलेक्ट्रिफिकेशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा मोटर्स की जो पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये कंपनी होगी जो इलेक्ट्रिफिकेशन में अपना दबदबा जमाने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपना दबदबा जमाने वाली इंडिया में। तो यहां पर मेरी बने रहने की सलाह होगी, लेकिन अगर 300 के आसपास मिले तो आप उस लेवल पर एवरेज भी कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी शेयर गया है, देखिए पहुंच गया था यहाँ पर। अगर मैं आपको शुरुआत से दिखाऊं यहाँ पर, हाँ तो देखिए शेयर कहाँ पे था, 300 350 के आसपास था, ठीक है, टूट कर कहाँ पर आया, 285 पर आया, वापस तेजी बनी यहाँ पर, देखिए अब 318 पर गया, वापस टूट के आ गया 290 के करीब। अब वापस इससे पहले भी देखिए आया था यहाँ पर 285 पे आया, फिर तेजी बनी 310, फिर वापस टूटा 290। 290 का एक स्ट्रांग सपोर्ट, 285 290 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से उससे नीचे तो ये नहीं जाएगा, लेकिन 300 के करीब मिले तो आप यहाँ पर बाइंग जरूर कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिए, और एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए, ताकि अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी को उस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं, पहले 200 खरीदिए, वेट करिए, अगर 10 रुपये और गिरावट आती है तो और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करिए। और अगेन लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिए। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसी चीज है कि जो 1-2 साल में नहीं आएगी, उसके लिए भैया 4-5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक शेयर इतना बड़ा बन चुका होगा कि 311 का जो प्राइस है वो भी इसके सामने कम लगेगा आपको, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया में टाटा मोटर्स की जो पकड़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो डेफिनेटली अनमैचेबल है, और आने वाले वक्त में कंपनी इस सेक्टर में तो भैया लीड करती हुई नजर आने वाली है। तो खरीदारी करिए, बने रहिए, टुकड़ों में खरीदारी करके चल सकते हैं, 300 रुपए के आसपास खरीदने का मौका है, और डेफिनेटली शेयर आपको बहुत जल्दी 350 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा,
पसंद आया हो तो लाइक जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।